नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से की। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की करारी हार के बाद भाजपा में नेताओं की बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खुद को एक और विवाद में डालते हुए अपनी पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से कर दी। गाड़ी चलती है, नीचे कुत्ता चलता है तो वो समझता है कि मेरे भरोसे गाड़ी चल रही है। ये पार्टी भारतीय जनसंघ के जमाने से है और नया नहीं, कितने लोगों का इसमें बलिदान है। एक व्यक्ति ये कह दे कि मैं बेहतर परिणाम देता, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति है। पार्टी महासचिव और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिकार रहे विजयवर्गीय ने कुत्ते वाली अपनी इस टिप्पणी से कुछ दिनों पहले सुपरस्टार शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए विवादित ट्वीट किए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया था। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा है कि लोग उनसे विजयवर्गीय के बयान पर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। सिन्हा ने लिखा कि किसी भी पार्टी के बड़े और छोटे नेताओं के बयान पर मेरी ये प्रतिक्रिया है, हाथी चले बिहार भौंके हजार। मांझी ने कहा, भागवत का बयान गोमांस पार्क में पटाखे फूटने जैसे बयानों से बिहार में मिली हार। भाजपा की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेक्युलर ने सोमवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की पराजय का कारण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान गोमांस और पाकिस्तान में पटाखे फूटने जैसी टिप्पणियां हैं। हम सेक्युलर प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि मोहन भागवत का आरक्षण मुद्दे पर बयान गलत समय पर आया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजग के सत्ता में आने पर पिछड़े और दलितों के बीच उसको लेकर भय पैदा करने में कामयाब रहे। देश भर में कौमी एकता सप्ताह मनाएगी सरकार। असहिष्णुता के मुद्दे पर जारी बहस के बीच देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को मजबूत बनाने के मकसद से 19 नवंबर से कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से कहा है कि वे कौमी एकता सप्ताह आयोजित करें और मनाएं, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता के संदेश को देश एवं समाज के हर हिस्से तक पहुँचाया जाए। देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाने और जीवंत समग्र संस्कृति एवं भाईचारे को लेकर गौरव की भावना के संचार के मकसद से 19 नवंबर से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के पहले दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।